एक सोशल मीडिया मार्केटर एक मदर एंड सिंपल जस्ट लाइक यू ये है लिटिल पॉडकास्ट आपकी एवरग्रीन ऑडियो लाइफ स्टाइल मैगजीन यहाँ मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं स्वीट सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडिया टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ करियर फिटनेस मेंटल हेल्थ And personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello, Sassy Lady. Thank you for joining me today. I hope that you and your loved ones are well. Before we start, I have something important to tell you. I am always looking for inspiring women to be guests here on Little Fixes. You can be an expert from any field or have a compelling story to tell.

<laughs> वैसे तो मैं स्किन केयर सिंप्लीफाई करने के लिए पहले भी दो एपिसोड कर चुकी हूं बट दिस वन इज गोइंग टू बी एन एडवांस्ड वर्जन पहले वाले एपिसोड में डिस्क्रिप्शन और शो नोट्स में लिंक कर दूंगी अगर आप सुनना चाहें तो सो so, आज मेरी गेस्ट है श्रीजा श्रेष्ठा जो एक एस्थेटिशियन और एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उनसे जानेंगे कि हेल्दी स्किन का क्या मतलब है कौन से स्किन केयर रिचुअल्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए एक्सफोलिएशन करने का बेस्ट तरीका क्या है और कौन से supplements हमारी स्किन को beautiful बनाने में हेल्प कर सकते हैं आपके और भी बहुत से questions के answer मिलेंगे, तो श्रीजा। श्रीजा, श्रीजा कॉस्मेटोलॉजिस्ट as नाउ an इतने सारे ये जो टर्म्स हैं, कई बार uh, नॉर्मल पब्लिक के समझ में नहीं आते मेरे भी समझ में नहीं आते कि एसिटेशन क्या है कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या है कोई डिफरेंस है कि नहीं है तो पहले श्रीजा आप हमें बताइए कि आपकी क्या जर्नी रही और ये डिफरेंट टर्म्स क्या हैं क्या करते हो आप ओके सो मै थी मैं पहले आई वुड वांट टू स्टार्ट बाई टॉकिंग अबाउट माई जर्नी कि कैसे मैं स्किन में एक्चुअली आई बिकॉज यू नो स्किन स्थेटिक्स एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में इट्स रिलेटिवली न्यू सो पीपल डोंट नो एंड मतलब मेरे को समझ आता है कि वाई पीपल आर कन्फ्यूज सो इफ यू नो इफ आई गो बैक टू माई प्रोफेशनल लाइफ

तो इसीलिए जब मेरे को अपने मास्टर्स का डेजिटेशन लिखना था सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ टॉपिक कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ वेलबींग द रिलेशनशिप एक्चुअली नॉट इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट एक्ने एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स कि कैसे एक्ने आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस आपके मूड mm, इन सब इम्पैक्ट कर सकता है वेन आई वॉज डूइंग दैट साथ ही साथ जो एस्थेटिक के कोर्सेस होते हैं ना ये आपको लॉन्ग टर्म विजाज नहीं देते तो जब मैं ये कर रही थी मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा था प्लस टू ईयर का वीजा सो so, मेरी सुपरवाइजर एक्चुअली शी वॉज माई इंस्पिरेन शी मोटिवेटेड मी नो

बिफोर द पेंडेमिक बिफोर दिस लॉकडाउन ये सब स्टार्ट हुआ तो mm -hmm. जब मैं इंडिया में आई तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे तो स्किन एस्थेटिक्स का कोई कोर्स है ही नहीं बाहर है अगर आप यूएस सर्च करोगे कनाडा हर जगह दे एस्थेटिशियंस आर वेरी वेल नोन और उनके अपने क्लिनिक्स होते हैं तो वो तो वो इंडिविजुअली या या काम काम करती करती के साथ सो दैट इज बट इंडिया में नहीं है ये बहुत ही बड़ा एक लूपहोल है क्योंकि आई फील कि बहुत सारे लोग इस वर्ड को मिस करते हैं एंड विदाउट अ डिग्री दे कॉल दम सेल्फ एन एस्थेटिशियन सो यहीं पर स्टार्टेड रिसर्चिंग ना मेरे को कॉस्मेटोलॉजिस्ट का वो दिखा सो so जब मैंने इंडिया में जितने कॉस्मेटोलॉजिस्ट कोर्सेस देखे वो एमबीए स्टूडेंट्स के लिए थे कि आपने uh, एम बीबीएस स्टूडेंट्स के लिए थे कि आपने अपना, you become a doctor, उसके बाद अगर आपको डर्मेटोलॉजी नहीं करना या आपको कुछ भी नहीं करना जैसे आप जनरल फिजिशियन बन गए तो आप एक कॉस्मेटोलॉजी की छोटी ट्रेनिंग ले सकते हो जो एक दो महीने की होती है एंड उसमें यू कैन यू ना लेजर कर सकते हो पील कर सकते हो ये सब कर सकते हो हेयर हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कर सकते हो तो पर इंडिया के जो कोर्सेज थे मेरे को इतने वो लगे मतलब क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लूपोज थे सो दैट्स आई वाज लाइक यू कि जब मैं अपना सिर्फ एस्टेटिशियन लिखती थी तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता था मेरे बायो में और मेरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर मेरे को हेयर में भी ट्रेनिंग मिली भी है आई कॉन्ट हेयर हेर एंड ऑल बट बेसिक लाइक कॉमन हेयरफॉल लाइक यू नो कॉमन इशूर्निंग स्टार्ट होगी और ये सब तो उसके उन सब चीजों के लिए मैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन रूटीन बिल्ड कर सकती हूँ दैट्स वॉट माई डिग्री अलाउज मी तो मेन डिफरेंस बिटवीन अ डोमेट लाइक क्योंकि बहुत लोग मुझे डोमैट समझ लेते आई एम नॉट अ डोमैट डॉ फॉर टू बिकम अ डोमैट यू नीड टू बी अ डॉक्टर और फिर आप अपना मास्टर्स करते हो ठीक है अपना एमडी करते हो लेकिन फॉर स्किन टू बिकम एन एस्टिटेशन आप किसी भी फील्ड से जैसे कि आपने अपना अंडरग्राड कर लिया मास्टर्स कर लिया बिकॉज इट्स अ वोकेशनल ट्रेनिंग उसके mm -hmm. बाद यू कैन ट्रेन फॉर इट और फिर उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं जो आप क्लियर करते जाते हो एंड द मोर लेवल्स यू क्लियर लेवलियर मोर एडवांस यू बिकम क्योंकि हर लेवल के साथ यू नो यू लर्न अ न्यू स्किल

इट इज वेरी इंस्पायरिंग वेरी इंटरेस्टिंग मतलब मेरे लिए मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती रहती हूँ जो सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया इसलिए मैं दूसरी चीज नहीं कर सकती बट यू टुक द लीप और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग No, no, mm -hmm. उनको like, you know, इतनी वो एनजाटी वगैरह होती है विद रिलेड टू इतना वेरी लाइक इन अ ब्यूटिफुल वे एंड आई थिंक आई लव माई वर्क क्योंकि जहां जो भी बिकॉज इज you know, वो इतने एंशियस होते हैं एम टू यू हैव टू की वे माई साइकोलॉजी बैकग्राउंड मी सो मच कि मैं कैसे डील mm. कर सकूँ बिकॉज आई कैन एम्पताइज विदरीथिंग सो डेफिनेटली आई नो इट वॉज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग यू नो वेन आई ऑनेस्टली स्टार्टेड विद दिस आइडिया आई वॉज वेरी स्कैड कि कैसे होगा क्या बट

फोटोशॉट uh, होती है जो भी होती है बट बहुत सारे लोग उसको uh, मान लेते हैं कि ऐसी स्किन अचीव की जा सकती है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वट डू वी मीन बाय हेल्दी स्किन ओके सो जैसे आपने कहा कि यू नो स्किन वो तो नहीं होती जो हम लोग ऑनलाइन देखते हैं हुँ. और एग्जैक्टली exactly वो नहीं होती हेल्दी स्किन पोललेस स्किन या आपने आजकल एक ग्लास स्किन का बहुत चल रहा है कि यू नो कोरियन ग्लास स्किन सो डेफिनेटली हेल्दी स्किन इज नॉट पोलैस स्किन इट्स नॉट

एज कंपेयर टू की पहले मेरा पूरा जॉललाइन ब्रेकआउट से भरा रहता था फोरहेड पे तो वो सब अब क्लियर हो गया है सो हेल्थी स्किन इज नथिंग बेसिकली इट्स द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन स्किन जैसे अगर आपकी स्किन नेचुरली ड्राई है Mm -hmm. तो वो ड्राइनेस विल स्टे विथ यू राइट क्योंकि वो आपका जेनेटिक्स है लेकिन mm -hmm. आप उसे कैसे मेंटेन कर सकते हो थ्रू प्रोडक्ट्स सो हेल्दी स्किन इज अ वन अच एक्चुअली फील्स कंफर्टेबल न ज्यादा यू नो इट वोंट फील वेरी प्लास्टिक ऊपर से एक्सेसिव शाइनी फीलिंग नहीं आ रही होगी अंदर से यू फील कंफर्टेबल एक दो ब्रेकआउट होंगे फ्रेकल्स रहेगा अगर पिगमेंटेशन इश्यूज है तो दैट कैन बी मतलब वो अगर इफ यू यूजिंग द करेक्ट रूटीन तो वो कम होने लगेगा ठीक है mm -hmm. तो फॉर मी इट्स जस्ट दैट यू नो हेल्दी स्किन इज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन स्किन With provided you are taking you know the proper care, ढंग se products use kar rahe ho sunscreen use kar rahe ho religiously, that's what it is. It's वो जो हमारे हम online dekhte hain jisme you know एकदम uh, like the skin is like picture perfect flawless नहीं होता ऐसा. Because mm -hmm. see for me in like I started my consultations in July 2020 and उस मेरे experience में मैं जितने clients को देख चुकी हूँ, I have actually been with two or three celebrities as well. तो आप जो उनको देखते हो camera पे mm -hmm. और जो मेरे पास photo questionnaire में आती है वो mm -hmm. एकदम अलग होती है सो दैट्स व्हाट आई क्योंकि माय ओन यू नो अगर मैं कहती हूँ लोगों को कि आप फिल्टर्स नहीं भी यूज करें जैसे आई शूट एज वेल मैं नहीं भी करूंगी कैमरा इट अ फिल्टर चाहे आप कोई फिल्टर नहीं भी यूज करोगे तब भी बिकॉज mm -hmm. हमारे सबके पास स्मार्टफोन स्मार्टफोन है राइट तो इट विल एक्ट एज अ फिल्टर सो बेसिकली हेल्दी स्किन इज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ प्रोवाइडेड आर टेकिंग केयर यू आर डूइंग ऑल द स्टेप्स ये नहीं की अगर एक्ने है तो बढ़ने दे रहे हो इग्नोर कर रहे हो

<laughs> uh, तो uh, मेरे पास इनफैक्ट एक क्वेश्चन आया था लार्ज ओपन पोर्स के बारे में इवन दो आई हैड केप्ट इट बिलो मेनी अदर क्वेश्चंस बट अभी क्योंकि ये बात yeah. चल रही है तो आई आई वुड लाइक टू नो कि जो थिंक मेनली ऑयली स्किन पे ये जो पोर्स होते हैं जो ऐसे भी दिखाई देते लाइक आई आई हैव ऑयली स्किन कैन सी तो yeah. uh, क्या इनको सही किया जा सकता है या फिर छोटा किया जा सकता है ऐसा कुछ किया जा सकता है इनके लिए ओके okay. सो so, जो लार्ज पोर्स होते हैं उनके दो तीन रीजन होते हैं एक तो यू हैव मेंशन ऑयली स्किन क्योंकि hmm. क्योंकि हमारा ज्ञान ज्यादा एक्टिव होता है और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है ठीक है mm -hmm. दूसरा रीजन होता है अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तब भी आपके पोज बड़े हो सकते हैं क्योंकि वहां पे बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है एक्ने हील हो हो रहा रहा है है फिर से हो रहा है, तो यू नो वो वो बार बार एक, एक्सपैंड होता है वो होता है वो फिर वो फिर इलाज हो जाता है और थर्ड रीजन होता है नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ द स्किन क्योंकि हमारा विद एज कोलाजन लॉस होता है ठीक है तो यू विल फील की सडनली यू नो पहले नहीं दिखते थे पर अब दिखने लगे चाहे आपको एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन नहीं भी थी

वो आप किसी भी चीज से चेंज नहीं कर सकते इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज द साइज ऑफ योर पोस्ट थ्रू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड इवन थ्रू प्रोसीजर कि वो श्रिंक कर जाएगा एकदम यू नो प्लेन हो जाएगा बट वॉट कैन बी डन इज कि अगर आप लार्ज बूस्टिंग बोस्टिंग यूज करो सो यू कैन सॉर्ट ऑफ मिनिमाइज द अपियरेंस ऑफ इट एंड लाइक वेन आई से मिनिमाइज मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू विल सी रिजल्ट बट प्रोवाइडेड यू यूज इन द प्रोडक्ट फॉर कंसिस्टेंटली फॉर लाइक यू नो सिक्स टू सेवन मंथ समटाइम्स इट कैन इवन टेक अपू एन इ

ओके ओके ठीक है वील कम बैक टू दिस अगेन बट अब एक बार थोड़ा सा फ्लो में बात करते हैं तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट बेसिक स्किन केयर रिचुअल हमने हमेशा से सुना है सी टी एम क्लैन स्टोन मॉइस्चराइज ये वाला रूटीन हम सुनते आ रहे हैं बचपन से ये सबको करना चाहिए तो इज इट दी ओनली बेसिक स्किन केयर रूटीन या मतलब वन साइज फिट्स ऑल हम प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं लाइक वट यू सजेस्ट कि एक ऐसा क्या होना चाहिए जो हर कोई करे फ्रॉम अ सर्टन एज

सो आई आज टाइम सनस्क्रीन कब से यूज करना चाहिए like, दो साल से यूज कर रहे हैं और वट एवर बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड की सन डैमेज में क्यूमुलेटिव होता है ये जो mm -hmm. आपने अपने टीन ईयर में सनस्क्रीन नहीं पहना हो आपके लेट ट्वेंटीज में जाके दिखना स्टार्ट होगा वो तुरंत कुछ नहीं करेगा सो सनस्क्रीन इज वन थिंग विच आई रिकमेंड दैट पर्सन ऑफ एवरी एज अब सिक्स मंथ शुड स्टार्ट टू यूज ठीक है बाकी चीजें फ्लफ है बट सनस्क्रीन इज वन प्रोडक्ट दैट शुड बी यूज एंड यू नो वंस योर सो लाइक जो क्लाइंट्स होते हैं मेरे लाइक आई डोंट टेक एनी क्लाइंट बिलो थर्टीन दैट इज माई बाकी लाइक यू नो बिकॉज ट सो so, मेरे जो थर्टीन इयर रोल्स होते हैं उनको आइस बिल्ड लाइक वेरी बेसिक रूटीन विच विनक्लूड लाइक अ क्लेजर क्योंकि वो टीन ईयर होता है क्लेजर विद एन एक्सफोलियर हेल्प एट दट पॉइंट ऑफ टाइम अ बेसिक मॉस्चराइज एंडस्क्रीन ड्यूरिंग द डे और फिर रात में फिर से मॉइस्चराइजर और अगर कोई ट्रीटमेंट है एक्ने का जैसे सैलिसिलिक एसिड होता है या कुछ होता है तो दैट कैन हेल्प बट द पॉइंट इज जो बेसिक रूटीन होता है टोनर भी नहीं होता उसमें फॉर मी अ बेसिक रूटीन एक्चुअली इंक्लूड द क्लेंजर मॉइस्टराइजर एन सनस्क्रीन नॉट टोनर टोनर इज अ एक्स्ट्रा थिंग विच ऑनेस्टली डिपेंड्स की अगर आपको स्किन में थोड़ा प्लंपनेस चाहिए हाइड्रेशन चाहिए यू कैन एड

इन योर ट्वेंटीज को लार्ज लॉस वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो इट्स अ बेस्ट टाइम टू एड वाइटमिन सी रेट इन ऑल इन टूटी मतलब सब कुछ मत ऐड करना स्टार्ट हो जाओ लाइक फॉर मी माई रूल रूल ऑफ थम इज एड वन एक्टिव पर रूटीन मैं उससे ज्यादा एक्टिव नहीं यूज करती आई डोंट लेर एक्टिव इन माई रूटीन मैं सिर्फ एक एक्टिव यूज करती हूँ एक टाइम पे एंड आई एडवाइस टू माई क्लाइंट्स एंड माई फॉलोअर्स एज वेल बिकॉज सी ज्यादा करने से ना यू विल एंड अप विद एन इरिटेटेड स्किन एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग लाइक नाउ आई फील पीपल आर डूइंग टू मच मेरे mm -hmm. पास जो लोग आते हैं वो मेरे को ऐसा लगता है यू नो दे डिस्ट्रॉय देर स्किन बाई यूजिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स विच इज नॉट नीडेड इन द फर्स्ट प्ले सो या बट सनस्क्रीन इज द की वो हर टाइम जस्ट यूज इट इवन इफ यू आर एट होम यू नीड टू वे सनस्क्रीन क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेशली इंडिया में वो है, नो हम तो घर पे ही है जरूरत नहीं है हमारे स्किन mm -hmm. में है सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है नहीं जरूरत है इनफैक्ट इंडियन स्किन इज मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन क्योंकि आपके हमारे स्किन का मेलेनिन ज्यादा है और अगर आप अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर रहेगा तो वो मेलेनोसाइड एक्टिव होंगे और आपका पिगमेंटेशन इशू बढ़ेगा सो डेफिनेटली और सनस्क्रीन इज समथिंग क्योंकि घर पे भी हम रह रहे तो बंकर में नहीं रह रहे राइट right? मतलब विंडो mm -hmm. से सन आ रही है बालकनी में जा रहे हैं छत पे जा रहे कुछ ना कुछ हो रहा है और आपको लगेगा चलो सिर्फ दस मिनट का ही तो एक्सपोजर है क्या फर्क पड़ता है बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दस मिनट हर रोज इज सेवेंटी मिनट्स पर वीक एंड विच कैन कॉज इन सन डेमेज इन योर स्किन सो डेफिनेटली सनस्क्रीन शुड बी देर ओके तो सन डैमेज पिगमेंटेशन मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि एक्सफोलिएशन के बारे में भी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑल्सो फॉर एक्सफोलिएशन. तो लेट्स टॉक अबाउट एक्सफोलिएशन एंड हाइपो पिगमेंटेशन ओके सो हाइपो पिगमेंटेशन इज लाइक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म ठीक है mm -hmm. इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है वन एक हाइपर पिगमेंटेशन होता है जो आपको एक्ने की वजह से होता है दिस इज एक्ने मार्क्स विच इज पोस्ट इंफ्लेमेटरी एरिथेमा पीआईई एंड पीआईएच विच इज पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन तो जो एरिथेमा होता है वो हमारे रेड एक्ने मार्क्स होते हैं ठीक है mm -hmm. और हाइपर पिगमेंटेशन जो होता है वो हमारे ब्राउन एक्ने मार्क्स होते हैं तो इनको ट्रीट करने का बेस्ट तरीका होता है यू नो ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड करो और मेलेनिन जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि जो इंक्रीज कर देगा अगर एक्सेस मेलेनिन प्रोडक्शन स्किन में होगा तो हाइपरपिगमेंटेशन hmm. बढ़ेगा तो उसको इनहिबिट hmm. करने के लिए इंग्रेडिएंट्स ऐड करो तो ब्राइटनिंग के लिए मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट इज विटामिन सी और जब मैं विटामिन सी बोलती हूं तो मतलब अब मार्केट में आप नोटिस करोगे इतने सारे वेरियंट्स है इथलॉर्बिक एसिड देर आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ विटामिन सी बट जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है दैट इज इज प्योर प्योर एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड एसिड ठीक है फॉर मी विटामिन सी अगर किसी को रियली really रिजल्ट देखने हैं और अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है तो mm -hmm. और आप यूर सफरिंग फ्रॉम ब्राउन एक्ने मार्क्स रेड एक्ने मार्क्स तो प्योर एस्कॉर्बिक एसिड इज अ रियली गुड इंग्रीडियंट साथ ही साथ आप अपने डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए ए चेज यूज कर सकते हो mm -hmm. जो कि एक्सफोलिएटर होते हैं ए

For PIE and The, ये एक टाइप का पिगमेंटेशन था दूसरे टाइप mm -hmm. के पिगमेंटेशन हमारे एज रिलेटेड पिगमेंटेशन होते हैं विच इज वो सनस्पॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे या मिलाजमा मिलाज़मा एक्चुअली प्रेगनेंसी के समय भी होते हैं मिलाजमा एक्चुअली रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन सो अगर मेरे पास कोई मिलाजमा का क्लाइंट भी आता है आई वर्क विद मैं उनका पूरा रूटीन बनाती हूँ बट कई बार ऐसा कंडीशन होता है कि उनको प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन खाने पड़ेंगे टू स्टॉप इट ठीक है क्योंकि वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट लेकिन मिलाजमा ना वॉट हैपेन्स एटलीट ये मैंने देखा है एक स्पॉट की तरह स्टार्ट होता है और लोग ध्यान नहीं देते फिर वो पूरे में फैलना स्टार्ट हो जाता है तो और इसको ना वो फैलता जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो तो मिलाजमा इज समथिंग विच नीड्स इमीडिएट अटेंशन और मतलब उसको ट्रीट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है वो एक ब्राउन और ब्लैक पैच की तरह आपके स्किन पे बढ़ता है और जो तीसरा जो एज स्पॉट्स होता है उसके लिए अगेन सी एंड एक्सफोलिएटर्स वर्क एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज अनदर इंग्रीडियंट कॉल एजलिक एसिड जो इनहिबिट करता है मेलेनियन प्रोडक्शन इन आर स्किन

वहां mm -hmm. पे एक रीजन होता है सनस्क्रीन नहीं पहना बहुत टाइम से दैट इज अ रीजन एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ हॉट लिक्विड्स दैट इज आल्सो अ रीजन सो यू नो फॉर दैट आल्सो अगेन ब्राइटनिंग एंड ऑल ऑफ दिस वर्क्स अपार्ट फ्रॉम कॉस्मेटिक यू नो प्रोडक्ट्स देर आर ऑल्सो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पील्स फोटोथेरेपी ये सब भी काम करते हैं बट सी वो सारा आप बार बार नहीं करा सकते राइट mm -hmm. right? मतलब कितनी बार कराओगे ज्यादा के सो इट्स बेस्ट टू हैव लाइक अ रूटीन सेट इन प्लेस जो आपको कंट्रोल कर रहा है आपको हेल्प कर रहा है एंड साथ में यू नो ओकेजनली यू कैन गेट दैट डन टू मेंटेन इट हम्म mm ओके -hmm, mm -hmm. okay. yeah. तो आ, ये जो माउथ के अराउंड वाला पिगमेंटेशन है ये मेरे साथ भी है और मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन आया था कि ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है रिकार्डलेस ऑफ स्किन टाइप सी इसके लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होता लाइक आई टेल यू इन कॉम्बिनेशन एजलिक एसिड कंबाइंड विद सी एंड वाइटमिन नाउ व्हेन आई एम सेइंग कंबाइनिंग आई डोंट मीन टू लेयर इट ठीक है यू इट यू जब आप एक्टिव ऑल्टरनेट करोगे देन यू स्टार्ट टू सी रिजल्ट बट ये सब तभी काम करेगा जब आप अपना सनस्क्रीन अच्छे से यूज like कर रहे हो लाइक मैं बार बार एम्फरसाइज कर रही हूँ सनस्क्रीन के बारे में बिकॉज दैट इज वन प्रोडक्ट दैट विल सेव यू फॉर ऑल ऑफ दिस ठीक है क्योंकि सपोज आप अपनी स्किन एक्सफोल कर रहे हो एज लाइक एसिड लगा रहे हो पर सन प्रोटेक्शन यूर नॉट रेगुलर तो mm -hmm. कोई फायदा नहीं है बिकॉज यू नो अगेन वो डैमेज होगा एंड अगेन दट साइकिल यू आर वेस्टिंग योर मनी सो फॉर दिस कॉम्बिनेशन ये जो माउथ के अराउंड होता है this is also it takes a really long time but it is possible to sort of minimize it with the correct products and vitamin c azelic acid combination mein kafi acha kaam karta hai iske liye bhi hmm okay okay aur ye jo exfoliation hota hai ye aging skin ki bhi help karta hai jo so see what happens with age jo hum jab hum young hote hain हमारा skin अपने आप को खुद exfoliate करता है ठीक है mm -hmm. with age what happens वो exfoliation rate गिर जाता है so that's why people say that you know you should start to exfoliate कि dead skin cells हट जाए।

क्या फॉर्मुला भी यूज कर रहे हो अगर हाई परसेंटेज लाइकॉलिक एसिड यूज कर रहे हो तो आई डोंट थिंक यू शुड यूज इट मोर देन वंस अ वीक बट लैटिक कर mm -hmm. रहे हो तो दो दिन भी कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग समथिंग वेरी जेंटल एक एलएचए करके ग्रुप भी आता है एक्सपोलियंस mm -hmm. का तो दैट यूज्ड थ्री टाइम्स अ वीक एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्न टाइप और उसके साथ आप क्या भी यूज कर रहे हो जैसे यू नो बहुत जैसे फॉर मी आई यूज रेट नॉल इन माई नाइ टाइम स्किन के रूटीन तो मैं अगर हफ्ते में एक बार भी एक्सफोलिएट करूँ या मैं एक बार एक्चुअली मैं तो करती भी नहीं हूं एक् 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 एक्सफोलियेट शायद महीने में एक बार करती हूं mm -hmm. क्योंकि ऑलरेडी मतलब स्किन को जरूरत ही नहीं है तो वो उस समय यू हैव टू टेस्ट कि क्या आपकी स्किन वो कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग और वो जो पैकेजिंग पे लिखते हैं कि दिन में दो बार करो वो तो बिल्कुल मत करो क्योंकि दैट मिल एक्चुअली डिस्ट्रॉ योर स्किन वैरियर ओके ओके तो हम इस पॉडकास्ट पे किसी को एक रिचुअल मतलब रूटीन बना के नहीं दे सकते कि ये ये आप यूज कर लो तो सही हो जाएगा बिकॉज एवरी स्किन इज डिफरेंट एंड एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट तो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट लाइक श्रीजा और मे बी अ डर्माटोलॉजिस्ट बट ये जो श्रीजा ने बेसिक्स बताए हैं इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट मे बी यू कैन स्टार्ट विद समथिंग सिंपल और इनफैक्ट आप श्रीजा का इंस्टाग्राम पेज भी देख सकते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट्स करती रिकमेंड करती रहती हैं एंड यू कैन गेट सम आइडिया फ्रॉम देयर ऑल्सो तो uh, मैंने uh, अभी विटामिन सी के बारे में आपने बोला तो विटामिन सी भी आजकल इतना कॉमन हो गया लाइक एवरी अदर प्रोडक्ट हैज विटामिन है एवरी अदर ब्रांड हैज विटामिन सी सब कुछ है तो विटामिन सी yeah. uh, मैंने ये भी सुना है कि ऑयली स्किन वालों को यूज नहीं करना चाहिए तो आपके mm -hmm. क्या हैं विटामिन सी हाउ ऑफन शुड बी यूज वट स्किन टाइप्स सॉरी कैन यूज दिस ओके सो आई विल टेल यू ऐसा कुछ ही नहीं होता कि विटामिन सी ऑयली स्किन वालों को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि अगेन विटामिन सी के भी डिफरेंट फॉर्मूलेशन आते हैं लाइक आई कैन टेल यू अबाउट क्रीम फॉर्मूलेशन सीरम एंड ऑल ऑफ दैट एंड विटामिन सी मेरा सो आई हैव ऑलवेज हैड ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड विटामिन सी इज वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स एंड आई कीप यूजिंग ठीक है सो आई टेल यू व्हाट कहां पे कौन से कंडीशन में एक्चुअली आपको प्योर स्कॉर्बिक एसिड सूट नहीं करेगा एंड वेर यू शुड लुक एट डेरेवेटिव ऑफ विटामिन सी ठीक है mm -hmm. अगर बहुत इनफ्लेम स्किन है स्किन पे बहुत ज्यादा एक्टिव आते है आप प्लीज स्कॉर्बिक एसिड मत यूज करो बिकॉज दैट विल फर्दर इन्फ्लेम योर स्किन क्योंकि पहले अपनी स्किन क्लियर करो ठीक है राइट फर्स्ट लाइक गेट लाइक ट्राई टू सॉल्व द एक्टनेश्यूज उसके ऊपर अगर आप बार बार लगाओगे बिकॉज इट विल इरिटेट योर स्किन तो अगर बहुत एक्टिव एक्ने है उसमें विटमिन सी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अगर आपकी स्किन क्लियर हो गई है यू हैव ऑयली स्किन यू केन वेरी वेल यूज विटमिन सी प्रोवाइडेड यूर यूजिंग लाइक अ सीरम फॉर्मुला जैसे क्रीम भी आता है बहुत सारे ऑयल वाले फॉर्मुलाज आते हैं डोंट यूज ऑल ऑफ दैट क्योंकि फिर वो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बट कुछ भी यू नो लाइट वेट वॉटर यू कैन यूज ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप ऑयली स्किन आप नहीं यूज कर सकते प्रोवाइडेड योर

लेकिन इरिटेशन भी बढ़ती है विथ हाई परसेंटेजेस विच यू शुड कीप इन माइंड एंड स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन है तो लाइक यू नो यू शुड बी केयरफुल और अगर जब स्टार्ट भी कर रहे हो जैसे मैं अपने एक्ने क्लाइंट जब उनका एक्ने ठीक हो जाता है एंड वेन आई स्टार्ट लाइक यू नो मार्क्स के लिए मैं रूटीन पे स्टार्ट करती हूँ तो आई प्रेफर की पहले मैं प्योर प्योरस्कॉर्बिक से न स्टार्ट करके डिफरेंट uh, वर्जन जैसे इथाइलॉर्बिक एसिड एक वेरियंट होता है विच इज वेरी वेल टॉलरेटेड बाई स्किन टाइप्स तो उससे स्टार्ट किया जाए

सो so, मैथी दो चीजें होती हैं जैसे एक्ने स्कार और मार्क्स ना डिफरेंट चीजें होती है ठीक है मैंने जितना भी बेनिफिट्स बताया मैंने मार्क्स के बारे में बोला था सो हैपेंस इज लोग ना मार्क्स और स्कार को ना इंटरचेंज करते हैं हाँ। अब स्कार जो है स्कार टॉपिकल प्रोडक्ट से तो ठीक मतलब मिनिमाइज हो सकता है वही ठीक mm -hmm. नहीं हो सकता क्योंकि वो अंडर प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन की वजह से होता है या बहुत लोग अपना पिंपल पॉप कर देते हैं जबरदस्ती का यू you नो know, कुछ कुछ कर रहे हैं so तो उसके लिए यू कांट यू नो मतलब आप uh, क्या कहते हैं सिर्फ टॉपिकल प्रोडक्ट से नहीं काम करेगा आप लेजर इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि लेजर से भी पूरा चला जाएगा वो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ स्कार पर ऐसा नहीं है कि एक बार लेजर करा लिया आपके स्कार ठीक हो गए तो वापस आ जाएंगे ये नहीं होता वन योर डन डन ठीक है और योवाइडेड योर फॉलोइंग अब सनस्क्रीन नहीं लगा रहे यू you नो know, कुछ कुछ और चीजें कर रहे हो तो ऑफकोर्स फिर वो सेम डिग्रेडेशन होगा स्किन में और फिर से वो इन लार्ज पोज ऑफ मोर लाइक इट विल बिकम मोर विजिबल बट इफ यूर फॉलोइंग द करेक्ट रूटीन और आप लेजर करा रहे हो फ्रॉम अ गुड प्लेस तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो वापस आएगा इट इज वेरी इफेक्टिव बट वैर यू हैव टू फॉलो मेंटेनेंस रूटीन एज वेल लाइक फॉर मी जैसे मेरे को एक एक्निस्कार था एंड मतलब आई स्पोक टू माई डोमैट की मुझे यू नो शुड आई गेट समथिंग डन सो शी सेट वेट फॉर सम टाइम छह सात महीने रुक जाओ यू यू यूजिंग एंड एंड स्टफ सी हाउ इट नो सो महीनेचुअली वो इतना मिनिमाइज हो गया आई डोंट फील द नीड फॉर एनीथिंग तो टॉपिकल प्रोडक्ट स्पेशली रेटेनॉल इन दिस एस्पेक्ट वर्क रियली वेल

कोलाजन क्या होता है एक प्रोटीन है राइट और हम hmm. अपनी रेगुलर डाइट पे भी की ईटिंग प्रोटीन लाइक कुछ ना कुछ तो खाई रहे तो एंड इज अ वेरी लेस योर वीगन बहुत hmm. कम चांस है कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी ठीक है hmm. क्योंकि कहीं ना कहीं से कही प्रोटीन मिल रहा है तो जब आप कोलाजन सप्लीमेंट एक्स्ट्रा खाते हो बॉडी रेकग्नाइजेज इट एज अ प्रोटीन वो ये नहीं सोचेगा कौन सा है ये ठीक है एंड इट विल फ्लश इट आउट ठीक है वो सारा निकल जाएगा कोई आपकी बॉडी में कुछ रहनी ना और आपको इससे कोई फायदा नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट कोलाजन पिल्स गमीज एंड पाउडर्स ठीक है वो आपकी बॉडी में बायो अवेलेबल नहीं है और नाउ दिस वाज अबाउट कोलाजन सप्लीमेंट्स कोलाजन सप्लीमेंट्स लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं जिसके लिए अभी डेटा करके आ रहा है दिस कंपनी कॉल्ड प्योर गोल्ड करके ठीक है तो उनका लिक्विड वाला मैंने एक बार ट्राई किया था तीन महीने के लिए उससे मुझे थोड़ा फर्क देखा नॉट समथिंग ड्रास्टिक कैलरी परचेज इतना mm -hmm. भी but थोड़ा I could say कि चलो बाकी वो वो से तो तो मुझे आज तक कभी कुछ दिखाई नहीं है उससे so, एक इज वन थिंग और देर आर स्टडीज विच शोज की जो लिक्विड फॉर्म ऑफ कोलाजन होता है बाय द बॉडी पर लेकिन अभी भी उसकी स्टडीज इतनी ज्यादा है नहीं कि मैं आपको कह दू की हाँ ये काम करता ही करता है बट mm -hmm. वो पाउडर और पिल्स और इससे तो बेटर काम करता है इफ समबडी वांट्स टू टेक तो आप लिक्विड कोलाजन सप्लीमेंट्स लीजिए अगर लेना ही लेना है मैं तो नहीं लेती बट अगर आपको लेना है ट्राई करना है तो गो फॉर लिक्विड वंस क्योंकि उसमें कोलाजन की जगह साथ पेप्टाइड वाइटमिन और बहुत चीजें मिक्स होती है ठीक है विल बेनिफिट स्किन सो दैट इज लाइक दैट

तो हाइड्रेशन mm -hmm. में रिजल्ट mm -hmm. मिलेगा लेकिन ये जो क्लेम्स है ना कि रिंकल हट जाएंगे ये, ये ये सब नहीं होगा देर आर ओनली टू टू थ्री इनग्रीडियंट्स जो कोलाजन प्रोड्यूस करता है हमारी स्किन में नंबर वन इज विटामिन ए इसमें आपका रेटिनॉल रेटिनोइड ये सब आ जाएगा नंबर टू इज विटामिन सी विटामिन सी में सिर्फ प्योरसकॉर्बिक एसिड नंबर थ्री इज पेप्टाइड्स ठीक है सो mm -hmm. so ये तीनों इंग्रेडिएंट एक्चुअली दे आर एबल टू गो यू नो पेट्रेट लाइक द अपर लेयर ऑफ द स्किन And cause इसके अलावा और कोई भी इंग्रीडियंट नहीं है एंड कोलाजन सप्लीमेंट ऑनस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एक्सेसिव आई पर्सनली फील की सप्लीमेंटेशन इस तरीके से नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए एक जनरल वेलनेस सप्लीमेंट अलग होता है विच यू कैन स्टार्ट लाइक दैट विच गो प्रिमरोज वगैरह जो लोग स्किन के लिए लेते हैं दैट इज डिफरेंट लेकिन सिर्फ कोलाजन बायोटिन ये सब अगर आप एक्सेस करोगे तो इट केन लीड टू मोर प्रॉब्लम सो यू शुड नॉट एंड It's it's much better to sort of you you know know uh, like rely on your own diet for for hmm. you know, supplementing the the collagen collagen and for collagen, uh, production in skin it's vitamin A, vitamin B and your peptides that would work. ओके ओके वेरी इंटरेस्टिंग बहुत सारे लोग कोलाजन प्रमोट कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं और कोलाजन में ये भी लिखा होता है आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए प्रोडक्ट्स में ये सब भी तो अगर वो स्किन के लिए वर्क नहीं कर रहा तो मुझे लगता है जॉइंट्स के लिए भी नहीं करेगा

हम्म ओके आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को शौक लगेगा ये सुन के बट बहुत बहुत हेल्पफुल भी था <laughs> और तो फिर जैसे स्किन के लिए आपने बोला कि क्लाइडन का सप्लीमेंट वर्क नहीं करता बट आर देर एनी सप्लीमेंट्स विच हेल्प इन मेकिंग अवर स्किन बेटर सो आई टेल यू what आई पर्सनली टेक आई कैन शेयर अबाउट those supplements जो मैं ले mm -hmm. रही हूँ और मुझे लगता है इट हैज बेनिफिटेड मी is प्रिमरोज oil. ज इज एक्सट्रीमली रिच इन लिनोनिक एसिड और ये चीज ना हमें ज्यादा हमारे डाइट से मिलती नहीं है सीड्स वगैरह जैसे बट कितने ही लोग खा रहे राइट तो एक लिनोनिक एसिड हैली ले रही हूँ एंड इट हेल्प ऑफ यू नो फॉर मी आई फील की जो हॉर्मोनलिय अट दैट सो आई पर्सनली टेक दैट एंड इट्स अनरल वेलनेस सप्लीमेंट इट्स नॉट समथिंग प्रेसक्रिप्शन या कुछ उस टाइप का सो प्रिमरोज or you know if you're suffering from acne yeah if your periods are very painful and stuff this supplement can help because I'm talking from my personal experience, it has really benefited me. So, mm -hmm. this is one or mm -hmm. hota hai, probiotic, which is again. So, I am someone I am very prone to allergies. So, where gut health is usually messed up, no matter what I do, because my mm -hmm. allergies sugar. So, probiotic mm -hmm. is again is something which is like you know, the good bacteria of your gut. So, I mm -hmm. take that supplement. So, that also helps a lot for people, you know, with acne and stuff. So, primrose is not just for acne, it can in general help you. Kyuki, you know, there are certain very few studies that shows ki ha, thikai, it helps with plumness and all of that. I, in fact, have a post on these two मेंट्स ऑन माइ इंस्टाग्राम जिसमें मैंने सारी स्टडीज वगैरह लिंक करी है कि वॉट इज द डेटा दैट इज सजेस्टिंग एंड सो मोर देन द स्टडीज आई ट्रस्ट दिस सप्लीमेंट्स क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है प्रोबायोटिक और दोनों से नाउ प्रोबायोटिक यू केल्सो गेट फ्राम योर गर्ड एंड ऑल ऑफ दट ठीक है बट वो कहता है यू विल नॉट गेट ऑल दर आर डिफरेंट वेरियंट्स एंड यू नो स्ट्रेन्स ऑफ इट वो सब नहीं मिल पाता है सो दैट्स वाई इट्स हेल्पफुल टू टेक अप्लीमेंट दैट विलो हेल्प यू विदिशंज एंड विल इम्प्रूव घट हेल्थ

और इसी में जैसे स्किन केयर में अभी लाइक मेनी पीपल आर देयर हु आर ऑफ यूजिंग एसिड्स और <laughs> मतलब आपने बताया भी कि करेक्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो करेक्ट नॉलेज के साथ तो तो इसमें yeah. एक टॉपिक आता है इज इट अ थिंग और व्हेन डज इट है एंडोक्राइन डिस्क्रप्शन है कैंसर है देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नो विच यू सी गूगल पे आर्टिकल मिलेंगे आपको इसके वेर इन पीपल आर लाइक यू नो Uh, switch to natural products chemicals are bad for you and all of that okay mm -hmm. so okay i'll tell you what anything ek to तो, this is completely based on fear mongering aisa kuch nahi hota reason being ki pehli baat jo hamara skin hai na uska main function hum bhul jate kya hai uska main function hai to keep things out jo logo ko nahi samajh aata to for any skin care to be penetrate, like you know for it to penetrate your skin at a level कैन वर्क इसलिए वो एक्टिव इतने महंगे होते हैं क्योंकि उनको उस तरीके से फॉर्मुलेट करना पड़ता है तो ऐसा नहीं एक क्रीम लगा लिया वो चला गया इमीडिएटली वर्क लाइक दैट और यू you नो know, ये जो इंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन काोब्लम आता यहाँ है, है, से है वे पीपल्स की सनस्क्रीन लगा लिया तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो रहा है और वो केमिकल्स ना इंडोक्राइन डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं बट आई टेल यू नू विद वेरी सिंपल एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी इतनी अब्जॉर्बेंट होती तो हम रोज नहाते हैं राइट right? पानी क्यों नहीं होता हमारी बॉडी में एज सिंपल एज दट लाइक यू विल स्वेलअप लाइक अली अगर इतनी अब्जॉर्बेंट है तो फो गेट सनस्क्रीन पानी तो उससे वो है ना वाईज वॉटर नॉट गंग यू नो अब्सॉर्ब बाय द स्किन सो इट इज कंप्लीटली फॉल्स ऐसा कुछ ऑब्जॉर्व नहीं होता और दूसरी बात रही है अकॉर्डिंग टू साइंस केमिकल क्या है केमिकल इज एनी थिंग एनी सॉर्ट ऑफ सबस्टेंस डेट हैज कार्बन आइटम्स एंड अकॉर्डिंग टू साइंस तो वॉटर भी केमिकल है सो वेर वॉट नेचुरल प्रोडक्ट्स आर यू टॉकिंग अबाउट सारे प्लांट कंपाउंड जितने होते हैं सब कुछ ऑल ऑफ देमा केमिकल सो ये नेचुरल का तो कुछ है ही नहीं लाइक आई सी सो मेनी बिग बिग ब्रांड्स इन इंडिया

सो दैट्स वाई ऑल ऑफ दिस इज जस्ट मार्केटिंग टर्म एंड इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फियर और फियर में इंसान खरीदेगा हम और ऑर्गेनिक्स इन क्या खरीदेंगे हम और बहुत चीज खरीदेंगे क्योंकि सबको किसको मरना है राइट लाइक नेचुरल रिस्पॉन्स वाई दीज ब्रांड्स ऐसा कुछ भी नहीं होता इंडोकाइन डिस्ट्रप्शन हो रहा है ये मतलब ये सब होता तो एफ डी ए पहली बात एफ डी एज द बॉडी दैट्स वेर इट कम्स टू स्किन अप्रूवल नहीं मिलता दूसरी बात वाई वुड ब्रांड वॉन्ट टू किल कंजूमर्स मतलब यू नो क्यू हमको क्यों माना जाए

ट इंटरेस्टे नोइंगो यू शूड ऑलवेज आज दिसक डोंट लेट ब्रांच फूल यू क्योंकि वो तो खेलेंगे आपके फियर पर बिकॉज दट्स द थिंग एंड एट्स नॉट इवन ब्रांच फॉल्टिकॉज आज कल वो फियर मॉगलिंग इतना बढ़ गया है कि लाइक पीपल आर गंग एल्कोहल नहीं यूज करना ये नहीं यूज करना मतलब यू नो क्यू नहीं करना आई यू एलोजिक प्रॉब्लम so hmm. you should ask this and be very smart while making a decision like for me I feel skincare आप जब भी चूज कर रहे हो दिस इज जस्ट बेसिक टिप लाइक हाउ टू चूज द करेक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट नंबर वन थिंग kept शुड बी mind इन योर माइंड इज जैसे सपोज आपको एक नाइसनामाइट सीरम खरीदना है आज क्यो इवन नीड इट ये सिर्फ वो ट्रेंडिंग है तो आप इसलिए खरीद रहे हो सो योर स्किन नीड्स एंड देन योर बजट कि क्या आप लॉन्ग टर्म में वो प्रोडक्ट सस्टेन कर सकते हो आज आपने खरीद लिया पांच हजार का सीरम पर वो कितनी बार ही कर सकते हो एंड थर्ड वुड बी अवेलेबिलिटी लाइक आई सी सो मेनी पीपल चाहिए बट कहां से सोच करोगे बार बार लाइक यू नो इफ इट्स लॉन्ग टर्म खत्म होगा कितनी बार कर लो ग आप सो इट शुड भी लाइक यू नो अडिंग टू द नीड्स शुड बी विद इन यूर बजट एंड शुड बी समथिंग दैट इज इजी अवेलेबल टू यू बो लाइक जस्ट फॉलो दीज थ्री रूल एंड यू बी एबल टू सोड बिल्ड लाइक अ गुड्स इन कै रूटीन इंस्टेड ऑफ यू नो गेटिंग स्टक इन दिस फियर मॉन्गरिंग नेुरल आई है अदर साइड मैं बिलीव कर चुकी हूं इन सब चीजों में सो आई डो वेर पीपल आर कमिंग फ्रॉम

ओके okay, इंटरेस्टिंग तो श्रीजा आपने हमें बता दिया कि एंडोक्राइन डिस्क्रप दिस्रुप्ष, नहीं होता है और ये फियर मॉन्गरिंग वाली मार्केटिंग है एक दूसरी तरीके की मार्केटिंग भी होती है उसमें ये आता है कि मेन के प्रोडक्ट्स अलग हैं वुमेन के प्रोडक्ट्स अलग हैं तो मेरे से किसी ने पूछा अ मैन आसमी की कैन हजबैंड यूज देयर वाइफ्स प्रोडक्ट्स तो यूज़ uh, uh, कर सकते हैं आर आके रियली स्पेसिफिक फॉर्मलेशन नीडेड और ये जो आजकल एसिड्स वगैरह हैं इसका मतलब कैसे होता है डेफिनेटली दिस इज अगेन मार्केटिंग क्योंकि अब ब्रांड ने निकाल दिया ठीक है नाउ वन दे लॉन्च मेन स्किन कैर जस्ट इमेजिन एक पूरा सेगमेंट ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं अलग तरीके से ठीक है बट मोस्ट ऑफ द इन्ग्रीडियंट आर सेम यू कैन यूज इट लाइक देर इज नो सेपरेशन बिटवीन अ मॉइस्चराइजर दट इज फॉर्मुलेटेड फॉर अ मेल स्किन फॉर अ फीमेल स्किन वॉट हैपन्स इज की मेल स्किन में थोड़ा कभी ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होता है ठीक है mm -hmm. तो लाइट प्रोडक्ट्स होते हैं बट दैट क्यू फाइंड इन एनी लाइक स्किन केयर इज जेंडर न्यूट्रल ठीक है ऐसा mm -hmm. नहीं होता कि ये प्रोडक्ट है दैट आई टॉक इवन अबाउट यू नो नोट ऑफ माई यूज नहीं कर सकते ऐसा कुछ mm -hmm. नहीं है यू कैन यूज इट अगर आपकी स्किन वो यू नो हाइब्रिड सन्स्क्रीन नहीं टॉलरेट कर सकते यू कैन गो फॉर यू नो बेबी प्रोडक्ट्स विच आर फ्रेगनेंस फ्री विच आर मोर लाइक यू नो सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली तो आप यूज कर सकते हो ये सारा एक मार्केटिंग टर्म होता है मेन और वुमेन इट डजेंट मैटर यू कैन इफ अ प्रोडक्ट इज वर्किंग फॉर यू फर्क नहीं लेबलिंग से यू कैन यूज़ इट क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो form, you know, जो यू नो इमल्सिव सब कुछ सेम होता है इट्स नॉट मेक अ डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं होता कि यू नो ये विटामिन सी सीरम विमेन के लिए है तो ये मेल नहीं यूज कर सकता दे कैन वेरी वेल यूज इट थोड़ा ऑयल प्रोडक्शन hmm. का फर्क होता है बट दैट इज फाइन लाइक जो मेरे मेल क्रीम्स एंड स्टफ राइट सो दैट इज द ओन थिंग बट वो तो कहीं भी आपको मिलेगा लाइक like, आए इतने सारे यू नो ब्रांड्स लाइक फोकसिंग टूवर्ड्स वेमेन स्किन केयर दे ऑल्सो मेक दैट द ओनली थिंग इज दैट यू नो एंड टेल यू वाई दिस इज हैपनिंग पहले इंडिया में ये सब It was just related to women, okay? Mm. Like they are into cosmetics, they are into makeup, they are into skincare or whatever. So, what's happening now? The new wave that is coming with the our generation becoming more and more popular. Like I, I, have, I have my brother who, by the way, is nineteen. He's so much into skincare. Like mm. all my friends my age, like we, they all are doing skincare. So now, ye, and I see so many even male bloggers, you know.

Yeah, definitely. So I'll tell you what my morning routine is. And uh iske I'll also like to give like a tip that honestly has been a game changer for me and it's mm -hmm. free of cost. Mm -hmm. Okay.

रिमूविंग क्लेंजर इन द मॉर्निंग प्रोवाइडेड इफ यर नॉट गोइंग फॉर एनी आउटडोर वर्कआउट जैसे मैं जब दौड़ने मॉर्ने जाती हूँ तो ऑफकोर्स आई विल सॉफ यू नो यूज अ सनस्क्रीन और आके निकालना पड़ता है पर फिर भी मैं मॉर्निंग में एक जेंटल बहुत ही नॉन स्ट्रिपिंग क्लेंजर यूज करती हूँ

Yeah. <laughs> वो कोई बैठा नहीं है आपकी स्किन के ऊपर hmm.

ठीक है इट्स प्योर एसिड फॉर्मूला इट्स लिटिल इट्स नॉट इट्स लाइक इमल्शन बेस्ड फॉर्मुला ठीक है प्योर सीरम mm -hmm. भी नहीं है क्रीम भी नहीं है वेरी थिन लाइक इमल्शन सो आई यूज दैट फिर अगेन मसाज इट द स्किन पांच दस सेकंड में फिर आई गो हेड विद माई मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर में आई लव सेंटेला सेंटेला मेरा एक फेवरेट इन्ग्रीडियंट है और अगर आपका रिएक्टिव mm स्किन -hmm. है तो यू कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम यूजिंग अ प्रोडक्ट विथ सेंटेला बिकॉज इट विल हेल्प काम डाउन द स्किन सो मैं आजकल वन थिंग सेंटेला क्रीम करके आता है एक प्रोडक्ट विच आई यूज दैट फिर ये सब मेरा पांच से दस सेकंड में खत्म हो जाता है ठीक है सारा मतलब मेरा पूरा रूटीन थर्टी सेकंड में खत्म हो जाता है बिकॉज आई अप्लाई एवरीथिंग ऑन डैम फेस क्योंकि मेरी स्किन इज यूज टू तो एक्टिव नहीं रिएक्ट करती अगर आपकी स्किन रिएक्ट करती है तो आप प्लीज अपने ये जो सीरम जो इटामिन सी वगैरह मॉइस्चराइजर के पांच मिनट बाद लगाएं ताकि वो बफर हो जाए बट फॉर मी दिस वर्क खत्म करकेट करती हूँ एंड देन आई गो हेड विदिन इट्स बेस्ट इंडियन फॉर्मलाज टू बी ऑन दिस इज माई मॉर्निंग रूटीन आई क्रीम वगैरह कभी मन किया था बट इट्स नॉट अस्ट सो दिस इज लाइक वेरी लाइक वन एक्टिव ट्रीटमेंट प्रोडक्ट हो गया मेरा ठीक है mm -hmm. फिर रात मेरा जो माई नाइट रूटीन इज एक्चुअली लिटिल मोर इलेबरेट बिकॉज आई लाइक टू डबल कैंसर

टोनर एसेंस मैं यूज करती बिकॉज आई फील इट विद हाइड्रेशन बट इट्स नॉट अशियल स्टेप यू कैन स्कीप इट उसके बाद एट नाइट राइट नाउ आई एम यूजिंग पेप्टाइड सीरम्स तो पेप्टाइड आई यूज अगेन अमीनू कॉपर पेप्टाइड सीरम मैं आजकल यूज कर रही हूँ सो इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट सो आई यूज दैट एंड फिर अगेन आई विल गो हैड विदरामाइट बेस्ड मॉइस्चराइजर जैसे दिन में आई लव सेंटेला रात के लिए आई प्रिफर सिराइट बेस्ड मॉइस्चराइजर बिकॉज इट हेल्प्स रिस्टोर योर स्किन बैरियर ठीक है एंड सो दिस इज माई रेगुलर रूटीन अगर मैं रेटेनॉल यूज नहीं कर रही अगर मैं रेटेनॉल यूज करती हूँ बिकॉज दैट इज अ लिटिल ड्राइंग इंग्रीडियंट या कोई भी हाई परसेंटेज ए एच ए वगैरह यूज करती हूं तो मैं अपना मॉइस्चराइजर पहले यूज करूंगी मैं पांच से दस मिनट वेट करती हूँ और मैं फिर रेटेनॉल या वो यूज करती हूँ टू सॉर्ट ऑफ यू नो मिनिमाइज द इरिटेशन बट दट इज वॉट माई बेसिक रूटीन इज यू नो इट्स मेनली लाइक वेरी सूदिंग लाइक आई फोस ऑफ सूदिंग इंग्रीडियंट्स एंड कलाजम बूस्टिंग इंग्रीडियंस दट्स वॉट लाइक क्योंकि अब मुझे इतना एक्टिव एक्निव ब्रेकआउट होते नहीं है Uh, my main concern is like aging gracefully because anti-aging and nothing is gonna stop you from aging. But you can uh -huh. look your best, right, at every uh -huh. age. So that's my focus and that's what I'm moving towards with these ingredients. Okay, okay. I was like, Chalo, hai, how old are you, Shija? Uh -huh. And I was like, <laughs> <laughs> No, no, it's fine. I'm twenty-six. <laughs> okay, okay. Then you're very young.

till <laughs> So I think it's the sunscreen that I'm wearing. That's what I like. This is one product. This go because when I was growing up, these are all actives. Like, and mm -hmm. okay, just because we're talking about actives and my routine, so I would like to share one thing. There's a lot of confusion. Where people are saying, right? Hmm. Wherein people are like uh, hyaluronic acid bhi laga lete hain niacinamide bhi laga lete hain matlab it's like brands promote it as if you will die without this ingredient matlab ye to chahiye hi chahiye you mm -hmm. don't need it fomo mein mat jao because uh, सी मोस्ट ऑफ द मॉस्टराइजर दट विल यूज हाइड्रॉनिक एसिड होगा नाइसनामाइड ऑलरेडी होगा तो इसलिए मैं ये प्रोडक्ट्स अलग से लेयर करना प्रीफर नहीं करती दैट्स वाई आई प्रीफर मॉइस्चराइजर जिसमें ऑलरेडी हो और ये जो भी स्टडीज है ना हल्ड्रॉनिक एसिड और नाइसेनामाइट को लेकर ये मॉइस्टराइजर के ऊपर है ये कोई नहीं बोलता कि सीरम वुड बी मोर इफेक्टिव देन मॉइस्चराइजर सो अगेन लाइक इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस आप कभी सो अपार्ट फ्रॉम एन आई एम बींगल्सो ब्लॉगर तो मुझे कभी कभी ट्राई करना भी पड़ता है यू नो बिकॉज आई आई एम पर्सनली नॉट कंफर्टेबल सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अगर ट्राई नहीं किया हुआ तो कभी कभी करती भी हूँ तो ठीक ट इन माई रूटीन लाइक आई प्रीफर की मॉइस्चराइजर में ही रहे ताकि मुझे फिर से अगे एंड अगेन लेर न करना पड़े बिकॉज आई हेट इट एम टेलिंग यू द वस्ट थिंग दट कैन डू टूर स्किन इज क्या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दो बिकॉज दैट विल रियली कॉम्प्लिकेट थिंग ओके वेरी इंटरेस्टिंग श्रीजा एंड इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू जिस तरीके से आपने मिथ्स बस की और बहुत ही ओपनली बताया ये नहीं कि बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर इसलिए मैं ये चीज भी प्रमोट कर दूं भले ही uh, yeah. मेरा इंस्टाग्राम हो या कहीं और हूं मैं तो इट्स नॉट लाइक दैट आपने बहुत ठीक uh, से बताया कि ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है ये चीज़ नहीं है so, Shija, yeah. because, uh, so sure uh, you, तो श्रीजा बिकॉज यू आर सो अमेजिंग आई एम श्योर कि माई लिसनर्स वुड लव टू कनेक्ट विद यू तो डू लेट इस नो कि वट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद यू ऑनलाइन ओके सो यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम which mm -hmm. is my handle is skinoreal i also have a youtube channel by the same name mm -hmm. so you can sort of also where i do like you know post out informative videos every week but i'm more active on instagram to be honest mm -hmm. and then if you actually want me to build like personalized recommendations on or anything you can visit my website that is also by the name skinoreal.com so you mm -hmm. know these are the three best ways to sort of connect with me and uh, i'm very responsive via dm or anything like you know it's mm -hmm. not like oh you know you'll be getting a response from my manager or whatever mm -hmm. i'm pretty active there and uh, yeah, it's you can just connect with me or drop me a DM or like if you have any confusions regarding actives, you're good. so you can drop them like you know, drop a comment or leave a message or whatever. And like yeah. I do respond within like 24 hours. Okay. And uh, so do check out Skin or Real on Instagram because a info on page. Pe, like I keep sharing uh, Shrija's uh, posts and reels with my sister in law who is dealing with various skin issues. So uh, I think you get a lot of help. Mil sakti hai se. And Shrija, thank you so much again for being on Little Fixes and being so nice, so generous with your uh, insights.

And if you're feeling generous, you can give me a shout out on Instagram at Little Fixes Podcast, or rate Little Fixes Podcast on Spotify and Apple Podcast. So, अब मिलते हैं 20th April को। तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सस्ती रहो। Bye!